तो भैजी को हाय, भोली को आशीर्वाद, बुढ़ा जी को प्रणाम और बूढ़ी जी को प्रणाम। तो क्या हाल चाल सबके, फिर आ गए एक न्यू ब्लॉग के साथ। और आप भी देख रहे होंगे कि मैंने चेस्ट माउंट लगा रखा है, अभी जब मैं उतरूंगा तो तब लगाऊंगा, तब अलग मजा आएगा देखने का। तो ये ब्लॉग है, पहले मैं बता दूं, मैं उत्तराखंड आया, आप हैरान हो गए कि मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया। एक्चुअली कुछ इंसिडेंट हो गए तो चक्कर में मैं उत्तराखंड आ गया था, तो ब्लॉग बनाने का टाइम नहीं मिला। भैजी प्रणाम। तो इस चक्कर में मैं बहुत बिजी हो गया, बट अभी मैं जा रहा हूँ नियालगढ़। और नियालगढ़ सुन के आप समझ गए होंगे, जो मेरा ये ब्लॉग देखते होंगे उनको पता होगा कि नियालगढ़ कहाँ है। और मेरा पापा का मामा कोट है, मतलब दादी का गाँव, तो उसके कई सारे ब्लॉग से आप देख सकते हो। तो चलिए फिर इस ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं और चल चलते बात करेंगे। और आप देखो मेरी सांस फूल रही है, थकान हो रही है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इस ब्लॉग को, लेट्स गो। मैं पहाड़ से, क्योंकि मेरे खून में पहाड़ी है, बसता देखो स्वर्ग यहाँ पे। ये देख रहे हो आप, रास्ते में सब हो गए पेड़। एक्चुअली इसलिए हो गए क्योंकि कंटिन्यू बारिश का मौसम आ गया है पहाड़ों में, एक महीने से बहुत लगातार बारिश हो रही है। आज सुबह बहुत तगड़ी बारिश हुई है, और बारिश पूछे मत, बारिश ऐसे रात को गोला दिखाता हूँ, गोला आपको मैं, गोला देखो गोला, आपको गोला दिख गया होगा, चले गया। ऐसे कई ग्वाले मिल जाएंगे आपको, ग्वाले का बहुत तरह के जानवर मिल जाएंगे। हाँ तो मैं कहाँ था, हाँ बारिश हो रही है उत्तराखंड में महीनों से, और ऐसे नहीं कि सुबह चार बजे, रात को सुबह चार बजे से बारिश स्टार्ट हो जाएगी और फिर होती रहेगी, होती है कि सुबह ठंडा मौसम, बादल आ रहे हैं, फेस से निकल रहे, तो बहुत ठंडा मौसम हो रखा है। इस समय हूँ मैं अभी रास्ते में और जा रहा हूँ, यार मुझे लग रहा है कि ना बहुत ज़्यादा बारिश की वजह झाड़ियाँ हो गई है, तो मुझे ना संभल के जाना पड़ेगा क्योंकि सांप वाप नीले सब आ सकते हैं। तो चलिए मैंने अब चेस्ट माउंट लगा लिया है, चल रहे हैं अब। मुझे लग रहा है चेस्ट माउंट में ना बहुत कैमरा हिल रहा होगा, तो उसके लिए माफी चाहूंगा। चल रहे हैं हम नीचे की तरफ। देख रहे हो आप कि बारिश में ना बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई है, बट आप देख रहे हो मतलब दो रास्ते पतले से ऊपर जा रहा है, एक रास्ते से जा रहा है, तो चलते हैं इस रास्ते में। एक्चुअली दिक्कत ये है कि मेरा फोन भारी है, उस चक्कर में मेरा कैमरा ज्यादा हिलता है। अगर इसकी जगह GoPro होता तो बहुत स्टेबल होता, और उसमें ऑलरेडी स्टेबल का फंक्शन आता है, तो उससे इतना शेक नहीं होता है कैमरा बहुत। क्योंकि आप जितना अच्छा आप एक्शन कैमरा लोगे, जितना अच्छा आप कैमरा यूज़ करोगे, उतनी अच्छी आपको उसमें पिक्सल्स मिलेंगे और शेक भी कम होगा। तो कोई बात नहीं, और मेरा चैनल अच्छा चला तो भगवान की दुआ से वो भी होगा, और चैनल की बात नहीं है, मैं लेने वाला हूँ, थोड़े मैं पैसे इकट्ठा कर रहा हूँ, तो उस चक्कर में, क्योंकि यार पैसे इकट्ठा करते करते ना कभी खर्चे भी आते हैं, तो उस चक्कर में मैं ले नहीं पाता, बट कोई बात नहीं। ये मेरे दोस्त आ रहे हैं, एक ये ट्राईपॉड और एक चेस्ट माउंट, ये मेरे लिए काफ़ी, ये दोनों मेरे लिए GoPro का काम करते हैं, तो मुझे उसकी कमी महसूस नहीं होती। और ठीक है, आपके साथ जो है उस चीज़ का आपको सम्मान करना चाहिए। तो चलिए, इतनी प्यारी धूप निकली हुई, देखो आप अब जा रहे हैं, ये देखो आप, इसको दिखाता हूँ मैं, ये चीड़ी के हैं, और आप समझते हो इनमें बहुत जल्दी आग लग जाती है, और इनके एक डिजाइन वाले वो भी होते हैं, मैं भूल गया हूँ इन्हें क्या बोलते हैं, पर अगर रास्ते में दिखेगा तो मैं दिखाऊंगा जरूर। तो उतर रहे हैं खतरनाक रास्तों से, और आई थिंक रास्ता यही है, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, यही होना चाहिए। ये रे वो, आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, ये रे वो, ये होते हैं वो। मैंने अभी चेस्ट माउंट से हटा लिया ऐसे, और मैं अपना ट्राईपॉड में लगा चल रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा शेक हो रहा है ये, और आप समझ सकते हो जहाँ पे ज़्यादा, एक सेकेंड, जहाँ पे ज़्यादा शेक होगा वहाँ बहुत ज़्यादा दिक्कत भी होती है। यार एक्चुअली ना मुझे बहुत साल, एक साल हो गया मुझे, एक या डेढ़ साल मैं आया नहीं हूँ रस्तों में, तो मैं कन्फ्यूज़ हो रहा हूँ रस्तों में कि कौन सा रास्ता कहाँ पे है। और एक्चुअली क्या है, मुझे थोड़ा डर भी लग रहा है, क्योंकि सुनसान सा है, और इस समय ही
बाघ बाघ आ सकते ऐसी डेट में पता नहीं है, बाघ रात को नहीं दिन में भी निकल रहे हैं भाई। आप श्रीनगर किस्सा बता रहा हूँ, श्रीनगर मेन जहाँ पे भीड़ा इलाका है वहाँ के चौराहे पे शेर पेड़ पे चढ़ा होता है, सोचो आप दिन के इलाके में, वो इतना भीड़ वाला इलाका देख रहे हो आप। ये जो लोग बैठे हैं यहाँ पे ये नेपाली हैं, ये खेती करते हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं यहाँ पे। तो मैं जा रहा हूँ इस तरफ, या मैं रास्ता भूल चुका हूँ, आई थिंक रास्ता शायद यही है। तो भाई इस तरीके से जाने का रास्ता, मैं रास्ता ना भूल चुका आई थिंक, रास्ता देखना पड़ेगा मुझे, मुझे रास्ता याद नहीं आ रहा है यार। ये पुल पे जाने का रास्ता किधर से है, पुल पे जाने का रास्ता? नहीं नीचे उस तरफ, उस तरफ, हाँ वो पुल है ना, पुल सामने वाला इधर से, तो यार किधर से, इधर से। थैंक यू थैंक यू। तो उन्होंने बताया मुझे इधर जाने के लिए, इनकी गाय वाय है ये, तो गाय चराने ला रखे हैं। अपन डेस्टिनेशन आ गया, उस सामने हो रहा पुल छोटा वाला, मैं रास्ता याद आ गया मुझे, अब यहाँ से मैं चले जाऊंगा यहाँ से। अभी क्या हुआ मुझे लगा वो चिल्ला रहे हैं, वो चिल्ला नहीं रहे थे भाई, तो कुत्ता मेरे पीछे आ रहा था, बच गया भाई मैं। तो भाई लोगों, एक ये वाला जो ये देख रहे हो, ये मेरा खेत है, ये हमारा खेत है, मतलब ये वाला भी, और उसके ऊपर जो है जहाँ पे खेती नहीं हो रही वो वाला भी जो दिखा रहा हूँ मैं, ये वाला भी हमारा ही है, और उसके बगल वाला भी हमारा ही है। ये है बाकी, तो हमारे दादाजी ने सारे खेत दान दे दिए थे, तो हमारे इतने ही बचे हैं खेत, पर इसलिए बहुत बटवा रहे हैं कई, क्योंकि मेरे दादाजी के चार भाई हैं, उनमें जाएगा फिर उनके बेटों में जाएगा, तो इतना आएगा, तो कोई बात नहीं। तो हम सब सब्जी खा लेते हैं, वो हमें ठीक लगता है, हम पैसे ऐसे नहीं देते इनसे, तो ठीक है यार। पर यार सब बताऊँ, मैं आपको जेन्युइनली एक चीज़ बताता हूँ, गांव में आपके महीने का खर्चा चार बंदों का फैमिली का बता रहा हूँ मैं आपको, जिसमें आप अपना रिफ्रेशमेंट हटा दो, चिप्स हो गए, और जो भी नॉनवेज खाते हैं नॉनवेज हटा दो, नॉनवेज यहाँ बहुत महंगा मिलता है, पर नॉनवेज एक नंबर वो हटा दो, तो ओनली खर्चा होगा 2000 रुपये। आप शौक हो गए, 2000 मैंने बोला महीने का खर्चा इतना ही आता है, सब्जियों का बता रहा हूँ मैं आपको, राशन वाशन का बता रहा हूँ, खर्चा ही नहीं ज़्यादा। आपको यहाँ पे चावल गेहूँ सब फ्री मिलेंगे, और मतलब कम सस्ते पैसे मिलेंगे आपको, ठीक है, क्योंकि सरकार प्रोवाइड करवाती है। और क्या बोलते हैं, सब्जियाँ आपको यहाँ पे अपने खेत हैं फ्री मिल जाएगी, तो खर्चा नहीं आता भाई, बहुत ज़्यादा बहुत कम खर्चा आता है। और देखोगे पानी आ रहा है गदरे का, यहीं पर हम नहाया करते थे, ये आप देख रहे हो इतनी बड़ी बड़ी पाइपलाइन है ये, और लोगों ने कैसे पहाड़ों के अंदर लगा रखी है, नीचे से देखो चलते हुए, आप सोच सकते हो कि कितना मेहनत काम बंदों ने किया होगा। और अगर कुछ भी पत्थर गिर जाए तो टूट जाएगा, उसे जोड़ने में बड़ी मेहनत होती है, अगर अंदर से टूट जाए तो बहुत ज़्यादा मेहनत होगी इसे लगाने में, तो आप देख सकते हो। और ये चीज़ आपको और दिखाता हूँ, धूप में गाँव के तरह प्यार लगते हैं ना, अलग ही चमकते हैं, आपको धूप से लगा होगा कितनी गर्मी होगी, टेम्परेचर इस समय 21 के आसपास, मुझे पसीना इसलिए आ रहा है, आप मेरे पसीने देख के शौक मत होना, पसीना इसलिए आ रहा है क्योंकि मैं पहाड़ों से चल रहा हूँ इसलिए। तो फाइनली पुल आ गया है ये, और यहीं हम भाई का इंतजार करेंगे, अब देखते हैं हमारा भाई कब तक आता है। लेकिन तो आपने साउंड सुन लिया होगा साउंड, तो यार इसका क्या बताऊँ, यहाँ पे आके ना बहुत शांति है। तो यार मैं नीचे आ गया हूँ, हुआ क्या पुल बहने का, पुल पे तो मुझे बहुत टाइम लग जाएगा, तो मैं कहता भाई मैं नीचे आ जाता हूँ, तो एक सिस्टर मिल गई तो स्कूटी मार दी, तो उन्होंने मैं कहा आप छोड़ दोगे तो कोई बात नहीं ना, मैं चले जाऊँगा पैदल पैदल चले जाऊँगा मैं, तो नहीं कोई बात नहीं आ जाओ, तो उन्होंने यहाँ नीचे छोड़ दिया है। अब ऐसे ही मैं जरा आगे घूमते फिरते जा रहा हूँ, और भाई का वेट करूँगा कब तक आते हैं हमारे भाई बस। बट यार आप सोच रहे धूप पड़ी, लेकिन इतना ठंडा मौसम होता है, मतलब क्या बताऊँ, घूमते फिरते ऐसे ही भाई घूमते रहा करो यार, पहाड़ों में गाड़ी ले जाना भाई बेकार है, इससे पैदल चलो भाई अलग ही फील आता है, अलग ही घूमते फिरते। यार ये जगह देख रहे हो आप, जरा पानी गिर रहा है,
यहाँ पे ये पूरा स्विमिंग पूल बना हुआ है, बहुत गहरा है ये, पानी नहीं है बिल्कुल भी, सूख चुका है शायद। देखो वहाँ नीचे लोग नहा भी रहे हैं, और यहाँ पे हम पहले नहाने आया करते थे, और वो सब लोग यहाँ पे नहाते भी हैं। तो यहाँ पे हम पहले नहाने आया करते थे, बहुत गहरा था, मज़ा आता था। पानी खत्म हो गया, बारिश होगा तो बढ़ जाएगा धीरे धीरे, अभी बारिश प्रॉपर बारिश हुई नहीं है। बाकी कितना प्यारा लग रहा है खेत, देखो आपको कितना हरा भरा लग रहा है, ये मज़ा आ रहा है यार। देखो यहाँ पे ना, देखो कितना अच्छा बैठने का बना रखा है यहाँ पे, ये भैया थे यहाँ पे, उन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है यहाँ पे, लोग यहाँ पे आते हैं पार्टी वार्टी करते हैं, या बर्थडे फंक्शन या कोई शादी हो या कुछ इंगेजमेंट हो, तो उसके लिए यहाँ बैठने का बना रखा है, बहुत अच्छा है यहाँ पे। मैं गया हूँ, बहुत प्यारा है यहाँ पे, लाइटिंग होती है पूरी, वहाँ पानी गिर रहा है उधर से, तो बहुत अच्छा बना रखा भैया ने यहाँ पे, अच्छा इन्वेस्ट कर रखा है। और जब आप कुछ अच्छी इन्वेस्ट करोगे ना, पैसा बहुत तगड़ा तगड़ा मिलता है, तो वो इन्वेस्टमेंट अच्छी होती है। भाई साहब कुछ अलग एंटी लेके जा रहे हैं, ये वो वाला है कुछ कुछ ढूंढते वूंढते ना, उसको उसके लिए एंटीना यूज करने के लिए। भाई भाई हमारे पवन चाचू आते हुए, अरे भाई ले तो लो, हेलो 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 हेलो, ए भाई देख रहे हो, मतलब छोड़ के भाग रहे हैं, कहते देख ले भाई यार छोड़ के भाग गए, मुझे बताओ यार, मैं ऊपर इनका इनका पेट्रोल बचाने के लिए यहाँ पे आ रखा हूँ, अब वो देना वहां से ले जाएंगे पेट्रोल बचाने के लिए ना। भाई हद है भाई, हेलो भाई, अब देखो मतलब ये नहीं यहाँ रुक सकते, मतलब जबरदस्ती उन्होंने वहां रुकी, देखो उस चीज के लिए। भाई मैं खड़ा तो आगे जा रहा हूँ, रुकवाते पीछे आया हल्का समय, देख रहे भाई ऐसे चाचा जी हमारे कि वहां से यहाँ लिया है, वहीं रुक सकते थे पेट्रोल बचाने के लिए। कुछ बोलना चाहोगे इतने दिन बाद हमारे ब्लॉग में, तब बंद करने के बाद बोलोगे हैं, चलो ठीक है। तो इस तक अभी मैं गाड़ी में बैठ चुका हूँ, निकल रहे हम अपने नियाजगढ़ की तरफ, और हमारे पवन चाचू गाड़ी चलाते स्कूटी चलाते हुए वहीं से फुल शूट एंड शूट, पेट्रोल की बचत बहुत करते हैं ये, और गर्दी भी चाहिए पहाड़ों, पेट्रोल की बचत बहुत ज्यादा है। क्या पॉल्यूशन होता है, पॉल्यूशन भी कम होता है उससे, मेन बेनिफिट है, पॉल्यूशन भी कम होगा, पेट्रोल भी बचेगा, और ये रोड बहुत अच्छी लगती है मुझे, ऐसी रोड मैं चाहता हूँ हमारी गांव की भी बने। पैसे खा गए, हाँ ये रोड के बगल में नाली देख रहे हो आप, किसी काम की नहीं है, पानी इकट्ठा हो जाता है। अच्छा अब ये पूरी ढलानी है, हाँ नाली का सही बात है, हाँ तुमने साला गड्ढा बना दिया, हाँ ये भी सही बात है, पानी निकलता भी तो नहीं है यहाँ से, कहीं गाड़ी के पानी इकट्ठा जाता है, वही तो सही कह रहे हैं, मतलब सही कह रहे हैं, तरफ वो सही बात है, और ठीक है अब यहाँ पे तुम नाली बना भी थी, ढलान है नहीं, कहा जाएगा ये बस ऐसी में दे दे खोद दो बस, कोई ढलान नहीं, कोई कुछ नहीं है, दिक्कत हो गई ना, कोई ढलान नहीं, क्या होगा इधर पानी गिरते होगा, बिल्कुल चल अब मतलब ये समझो कि एक तरह से ये भी अच्छा भी है, बट ये पीटीसी है ना, कुलपम के पीटीसी की, मतलब यहाँ पे जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, अच्छा यहाँ पे टीचर आते हैं ट्रेनिंग के लिए, ट्रेनिंग के टीचर आते हैं यहाँ पे, और इसकी डीएड वाले भी आते हैं, बच्चे स्टूडेंट भी आते हैं, अच्छा तो अभी ये और जमीन लिए उन्होंने ऊपर, अच्छा और बड़ा बना रहे शायद, पूरा अपना कैंपस बना देंगे शायद, और ये भाई ने स्कूटी बंद कर दी और न्यूट्रल में चला रहे हैं आराम से, स्कूटी क्या है ना अगर आप ऑन करके ले जाओगे ना तो ये हमारी आगे नर्सरी, यहाँ पे छोटे छोटे पौधे और प्लांट उगाए जाते हैं, बनाए जाते हैं यहाँ पे, और कई तरह के मिल जाएंगे आपको ये नीचे की तरफ, और ये इतना खतरनाक इलाका है इस तरफ का, थोड़ा सा ये शेर बाघ सब, यहाँ पे आपको शेर बाघ सब मिलेंगे, तेन में से लेकर सब मिलेंगे, जिराफ भी मिल जाता है, मुझे समझ नहीं आया क्या बोला, हाथी भी मिल जाता है, और उसके अलावा जो लोग दारू पीते हैं उनके लिए खासकर चीज मुर्गे भी मिलते हैं, आप मुर्गे बाहर ख्याल रखते हो, मुर्गे भी मिलते हैं, देसी मुर्गे भी मिलते हैं यहाँ पे बहुत सारे, और इससे बहुत पता है हमारे गदरे में ना बहुत ज्यादा हो रखे, पता है इस समय इतने ज्यादा हो रखे हमारे गदरे में, उस बात भाई तीन तीन चार चार गुट हुआ है घूम रहे भाई मुर्गे, हमें मानने का एक्सपर्ट है नहीं, हम कैमरा आगे की तरफ,
कितना सुंदर नजारा, और देख रहे हो आप सारे खेत ही खेत है यहाँ पे। मुझे बहुत मजा आ रहा है यहाँ से, जब भी आता हूँ। हमारे पवन भाई यार मेरा वीडियो बना लेता, क्या करूँ, ऊपर आते था डर लग रहा था मुझे। पवन भाई छोटी जगह स्कूटी लेके आ रहा, देखो इतना मस्त रोड बना रखा उन्होंने। आ गए ऑलमोस्ट, अब कालू से मिलाएंगे आपको। बहुत ठीक हो, मस्त तंदुरुस्त। अरे बुढ़े जी, मैं स्मार्ट कोई और मिल जाएगी फिर आप मुझे बोलोगे। कौन बुढ़े जी? बुढ़े जी कन्फ्यूजन, डांग वाले फोटो कैसे बनाते? अच्छा हाँ हो गया, प्रणाम। पगला रखा क्या? प्लान बनाते हुए आगे, मैं चलो चलता हूँ घूमते फिरते। बहुत बहुत ज्यादा प्लान हमारे, बहुत ज्यादा। नहीं पापा कल आएंगे पापा। दादा दादा कौन? दादा शिबू दादा। अरे हाँ अच्छा, भूल गया। इसको इतना मारते हैं, मतलब क्या, इसको इतना निचोड़ते हैं, इतना निचोड़ते हैं, कोई हिसाब किताब नहीं है। देख रहे हो उसे इतना निचोड़ते हैं, देखो बाद में। यार इस ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं आपको न्यू ब्लॉग के साथ, और बस इस ब्लॉग में इतना ही। तब तक के लिए मुझे आप अलविदा कीजिए। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय हिंदुस्तान, बाय बाय। मैं पहाड़ से, क्योंकि मेरे खून में पहाड़ी है, रास्ता देखो स्वर्ग यहाँ।